कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे। आजकल जो है बहुत ज्यादा ठंडक पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस समय जो है दिन के बज रहे हैं 12:30। बाहर जो है बिल्कुल मौसम नहीं है कि छत में जा करके हम कोई काम कर सके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घर में ही कुछ अपना समय जो है वो फ्रूटफुल ढंग से बिताया जाए। इसके लिए जो है हम अपने क्वेश्चन सिल रहे हैं और क्वेश्चन दोस्तों वही हैं जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो वो क्या था कि अंदर जो उसके जो ओरिजिनल जिसमें क्वेश्चन बना था उसी के ऊपर डायरेक्ट मैंने जो था खोलियां चढ़ा दी थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने चेक करके देखा तो वो खोलियां जो है कुछ खराब सी हो रही है, काले से डॉट से दिख रहे थे। तो मुझे लगा कि बेटर होगा कि एक डबल खोली उस पर चढ़ा दिया जाए, एक खोली ऐसे रहे जिसको कि हमेशा ही धो सकते हैं और दूसरी जो है कुछ कायदे के ऊपर अच्छी सी बनाया जाए। मन कर रहा था तो मार्केट जाकर के कपड़ा खरीद के ले आए हैं, तो अब उसी को बनाएंगे दोस्तों। वैसे तो जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है तो मैं कभी है कुकिंग करती हूँ ज्यादा, कभी जो है ये वेजिटेबल्स वगैरह काटते रहते हैं। मैंने निटिंग भी बहुत करी है, बिनाई भी बहुत करी है। लास्ट ईयर जो था अपने ग्रैंडसन का मैंने स्वेटर बिना था, लेकिन इस बार नहीं बिन रहे हैं क्योंकि जो मैंने लास्ट ईयर बिना था वो एग्जैक्टली उसी के नाप का है। इस साल वो नहीं पहन पा रहा है उसको। दूर से रह करके स्वेटर बिनो ना तो बच्चों की एग्जैक्ट हाइट का पता नहीं चलता है कितना है। हमने अपनी समझ से काफी बड़ा बनाया था लेकिन वो बहुत छोटा निकला, मतलब वो उसी समय बस पहन पाया। तो मैंने सोचा स्वेटर वगैरह बनाना तो बेकार है, इस समय जो हम और मेरे हस्बैंड ही है तो फिर खाने पीने का भी इतना ज्यादा काम नहीं रहता है, तो वही सोच रहे कुशन बना लिया जाए। और घर में देखिए हम लोग सोचते हैं कुशन बनाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं होता है, बहुत झटपट बन जाता है और बहुत कम समय पर बनता है। एक बार आप टाइम निकाल लो अपने पास 1 घंटे का भी तो समझ लीजिए 5 कुशन्स आपके तैयार हो जाएंगे खूब आराम से। फिर वही काम करते हैं, थोड़े से अपने कुशन्स बना लिए जाए। दोस्तों हम जो हैं 2 तरीके के कुशन कवर बनाएंगे। एक तो बिल्कुल अंदर जो बेसिक खोली होती है कुशन कवर रहता वो बनाएंगे। ये जो है ये वेलवेट का कपड़ा है, काफ़ी दिन से पड़ा था, समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या यूज़ करें, तो आज जितनी भी खोलियाँ मेरी बन जाएंगी हम इसी से बनाएंगे और फिर इस वाली के बनाएंगे, फिर इसके ऊपर जो है थोड़ा सा नया कपड़ा लेकर के आए हैं उसका बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले पुराने कपड़े से मैं देख रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो काम था मैंने 10 बजे से दिन में निकाला था और बहुत जल्दी हो गया है और समझ लीजिए कि 1 घंटे में मैंने 5 खोलियाँ सिल दी थी। सर में जो है इस समय बहुत सारा ऑयल लगा है इसलिए मैंने सोचा कि 1 घंटा इसको लगा करके बैठ जाते हैं, फिर नहा धो करके आगे जो है बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स ये वाली जो खोली हम बताएंगे आपको, तो ये इसमें केवल 4 जगह सिलाइयाँ मारनी होती, केवल 4 जगह और पूरी कुशन जो है वो रेडी हो जाता है। तो ये वाला तो काम मेरा फटाफट हो गया था, इसको तो देखिए कितनी जल्दी मेरी सारी खोलियाँ हो गई। तो ये 5 खोली तैयार हो गई हैं। ये तो ये अंदर की बेसिक खोली है, ये हमेशा परमानेंट ऐसी ही पड़ी रहेगी और इसके ऊपर कुशन हम बदल बदल के लगाते रहेंगे तो ये ठीक रहेगा, कभी गंदी हो गई तो उसको साफ़ कर सकते हैं। तो आप बाहर निकल के आए बाहर का नज़ारा देखने के लिए, ये देखिए पानी की बूंदें तार में कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मोती की तरह लगी हुई हैं। इस समय जो है इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है हमारे यहाँ पर, गैस में पानी गर्म आ रहे हैं, तो पानी गर्म हो जाए, नहा धो लें, नाश्ता पानी कर लें, फिर आगे जो है आपके साथ हम खोली को शेयर करेंगे कि मैं किस तरीके से उसको बना रही हूँ। ये सामने वाले का भी घर दिख रहा है यहाँ से, जबकि कैमरे को मैंने जूम करा है, ये देखिए कितनी दूर ये दिखा। दोस्तों ये वाले कपड़े का हम बना रहे हैं ऊपर का कुशन कवर, 2 बना लिए थे हमने पहले ही क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी तो शूट नहीं कर पाए, अब आपके संग शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट ले लेते हैं, मेरा ये कुशन जो है ये 18x18 इंचेस का है लेकिन अब दबते दबते पतला हो गया है, लेकिन हम जो है 18 इंचेस ले रहे हैं और 1 इंच जो है ये सिलाई का ले रहे हैं, 18+1 इंच सिलाई का 19 इंचेस। यहाँ का भी यही कर रहे हैं, 18+1 इंच सिलाई का ले रहे हैं और 22 तक और कर ले रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा कर ले रहे हैं क्योंकि जो पीछे की खोली होती है वहाँ से ओपनिंग रहती है जहाँ से कुशन अंदर डाला जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के ले रहे हैं। तो इस साइड जो है ये हमने कपड़ा आगे बढ़ा करके पूरा जो है ये 22 इंचेस कर दिया है क्योंकि ये बैक साइड भी इसी में निकलेगा, ये पूरा 22 इंचेस हो गया है क्योंकि 18 तो देखिए कुशन का नाप है
और 1 इंच जो है ये आपका सिलाई में जाएगा और जो पीछे के साइड अंदर जाएगा इसलिए मेजरमेंट ले लिया है ज़्यादा। तो अब जो है इसको मैं काट ले रही हूँ यहाँ से। और दोस्तों इसमें जो है ज़्यादा सिलाई नहीं पड़ती है, केवल जो है हम 4 जगह ही सिलाई करेंगे। और आपके पास अगर सिलाई मशीन नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से इसको जो है घर में हाथ से भी सिल सकते हैं, बस ये है कि तुरपाई थोड़ी मजबूत कर दें। तो ये मेरे 3 कुशन कवर कट गए हैं, 2 हमने पहले से ही रेडी कर लिए थे, ये स्टिकर चिपका हुआ है उसमें। तो ये अब मुझे सिलाई जो है, देखिए ये तो बीच का फोल्ड हो जाएगा, एक सिलाई मुझे यहाँ मारनी है इस जगह ऐसे फोल्ड करके, मैं इसको कर दूंगी यहाँ पर, और दूसरी तुरपाई ये। तो कपड़े का जो उल्टा साइड है उसको देख करके करना होता है। अब इसको हम सीधे साइड पूरा कर लेते हैं, मतलब जो सीधा साइड कपड़े का होता है वो ऊपर की साइड ऐसे रखेंगे। ये देखिए ये सीधा साइड है ना, उसको ऊपर की साइड मैंने कर दिया है। कुशन बीच में रखेंगे, सिलाई वाला हिस्सा उल्टा सामने आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और ये देखिए कितना आसान तरीका है। अब आप ये वाली पिन ले लीजिए जिसको कि कपड़ों में दबाया जाता है, बॉबी पिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो बस इसको मैंने यहाँ पर टाँग दिया। ऐसे टाँग देने से दोस्तों सिलाई करना आसान रहता है, नहीं तो थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती ना तो उधेड़ना बहुत ख़राब लगता है। अब कुशन जो है यहाँ से निकाल ले रहे हैं इसको, अब इसको जो है बस यहाँ से सिलाई मारनी है हम लोग को, एक तो एक इधर से सिलाई मारनी, कुशन कंप्लीट हो गया हमारा। तो है ना, देखिए बहुत जल्दी बन गया दोस्तों। मैंने जो था म�र्निंग में 1 घंटे में जो बनाया था 5, और अभी 5। अब इस साइड भी देखिए ऐसे ही सिल ले रहे हैं। बॉबी पिन लगा देने से आराम रहता है। वैसे अगर आप बिगनर हो तो कोशिश करिएगा कि थोड़े से थिक कपड़े का कुशन सिलिएगा, ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेरे रेडी हो गए हैं सारे ही, सीधा कर लेते हैं इसको। कॉर्नर्स जो हैं ये बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। ये हो गया, देखिए पूरे रेडी हो गए हैं ना, कितनी जल्दी हो गए, फटाफट हो गए। और अभी दोस्तों ये ना हम काम करते ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास होता, क्योंकि हम टेरेस पे भी नहीं जा पाते और घर ही में बैठ के कोई काम धाम मेरे पास ज़्यादा था नहीं, तो मैंने ये कुशन सिल करके अपने समय को यूटिलाइज़ कर लिया। तो यहाँ पर ये पूरा डाल देते हैं इसके अंदर कुशन को, और देखो कितना बढ़िया तैयार हो गया। ये वाला कपड़ा दोस्तों मुझे 250 रुपीज़ मीटर मिला हुआ था, 2.5 मीटर हमने जो है इन कुशन के लिए लिया है, थोड़ा कपड़ा मेरा बचा हुआ भी है। तो ये मेरे कुशन्स तैयार हो गए हैं दोस्तों, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के संग, तब तक के लिए गुड बाय।